ऑप्शनल ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, ये क्वेश्चंस बहुत सारे ट्रेडर के दिमाग में रहता है। लेकिन गाइस आपको अगर सच में बताऊं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ना के बराबर ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओवरऑल में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट किए हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर खींचा जा रहा है, तो आपका ये सबसे बड़ी गलती हो सकता है। आपके लाइफ में आपका बड़ा कैपिटल इसमें घुस सकता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, उसमें आप ये समझ लो कि आप इन टाइम में स्टार्टिंग में तो आप प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, लेकिन ओवरऑल जब देखोगे ना लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा होएगा कि आप एक सप्ताह में 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, 5 दिन में आप 4 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन एक दिन जब आप लॉस करोगे ना, वो पूरा प्रॉफिट ही आपका चल जाएगा और ऊपर से आपके घर से भी पैसा जाएगा। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट को सेव करके रखना बहुत टफ चीज़ होता है। आपको बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलेगा कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बना लो, ये होता है, वो होता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है, पैसा 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। भाई होता तो है, लेकिन उसे रखने के लिए हमारे पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको गाइस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मिनिमम आपके पास 10-15 लाख होना चाहिए और आपका ट्रेड जो है ना, वो लगभग आप पकड़ लो कि 20-25 हज़ार से होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाओगे। आप 20-25 हज़ार से स्टार्ट करते हो ना, तो अगर आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि आप 1000 रुपया, 2000 रुपया, 20 हज़ार से ट्रेड करोगे, 2000 प्रॉफिट निकालोगे और आप मार्केट से निकल जाओगे, ये थॉट लेकर भी अगर मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही टफ चीज़ है गाइस, इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत टफ चीज़ है। इसमें आप तभी प्रॉफिट बना पाओगे जब मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत दिन का आपका हो जाएगा, आपके पास मोटा कैपिटल रहेगा, आप उस मोटा कैपिटल से छोटा, एक बहुत ही छोटा परसेंटेज ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाओगे, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। उसके साथ साथ आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग किए हैं ट्रेडिंग, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप स्टॉक को डिलीवरी में स्टॉक को खरीदिए, यानी कि जो स्टॉक रहता है जिसका जितना प्राइस रहता है उसी प्राइस में उसको खरीदिए और उसे होल्ड कीजिए, और उसमें आप 10% 15% का प्रॉफिट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमें इतना दिन में, 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन 1 महीना में मिले तो हम निकल जाएंगे। इस तरह से ये थॉट लेकर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये थॉट लेकर स्टॉक मार्केट को पहले जानिए, समझिए, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, तो फिर आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से कर रहे हो, या फिर 3-4 महीना 6 महीना आपका थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है और आप सोच रहे हो कि स्टार्टिंग आप ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करोगे, आप कैपिटल हो सकता है कि 1-2 लाख जुगाड़ कर लियो, लेकिन फिर भी आप नहीं टिक पाओगे, आपका पूरा पैसा डूबने वाला है, मैं आपको ये लिख कर बता सकता हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग गुस्सा भी आए, गाली भी पड़े, लेकिन गाइस जो फैक्ट है मैंने वही बताया। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो स्टार्टिंग स्विंग ट्रेडिंग से करो, छोटा छोटा कैपिटल लगाओ, डिलीवरी में स्टॉक को खरीदो, पहले 5 स्टॉक 10 स्टॉक इस तरह से बढ़ाओ, पहले स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लॉस इस तरह ये साइकोलॉजी अपने दिमाग में बैठाओ अच्छे से, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरो। और ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरने से पहले इतना समझ लो कि आपके कैपिटल 5 लाख है, तो आप लगभग 10-15 हज़ार से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ये अगर रहेगा तो फिर आप प्रॉफिट बना पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो पहले स्टॉक मार्केट में नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग या फिर SIP या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होता है। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं।